और ये तस्वीरें दिल्ली की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एमसीडी इलेक्शन के लिए कैसे घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। एमसीडी का रण इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हर किसी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से एमसीडी पर कब्जा जमाए बैठी और इस बार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एमसीडी पर कब्जे की बात कहती रही है, कूड़े को जिस तरह से मुद्दा बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उसकी एक बड़ी तस्वीर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घर घर अभियान के तहत एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये वजीरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कैसे घर घर जाकर जेपी नड्डा वहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका है चुनाव में प्रचार करने का, जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और देखिए उन्होंने पर्चा थमाया, लोगों से बातचीत की, अभिवादन किया और फिर उसके बाद यह भी कहा कि आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दें। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एमसीडी का रण इस बार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोनों राजनीतिक पार्टियों के लिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी कुछ दमखम दिखाने की बात जरूर कहती है, लेकिन लीग में इस वक्त दोनों पार्टियां नजर आती हैं। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय से यहां पर कब्जा जमाए बैठी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है।